हैव अ क्वेश्चन सर। किसी कोई लेडी है, उनका हस्बैंड का हेल्थ इश्यूज हो गया और हस्बैंड को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, बच्चे शादी वाले हैं, तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्या प्रेयर करना चाहिए ताकि मुझे, मैंने उनको समझाया था कि दशा दिशा देवता तीनों हमारे लाइफ पे अफेक्ट करते हैं, तो उन्होंने, उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने बोला कि मुझे किस भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए। तो वही सर बताया ना मैंने इसका अभी, देखो पर्पस बेस क्या चाहिए उनको, तो उस प्रकार से उनको सोचना है, फिर उसके बाद में उनका होरोस्कोप से पता चलेगा लग्नेश कौन है, भाग्यश कौन है, जो दशा रूल कर रहा है अभी, दशा चल रही है, दशा का स्वामी कौन है, तो इस प्रकार से वो जो है वो साधना कर सकते हैं। सर उनका हॉरोस्कोप देखूं या उनके हस्बैंड का या उनके बच्चों पेशेंट जो है उसका देखना है, का? ओके आपको आपको रिजल्ट चाहिए तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा, हस्बैंड जाए क्या पेशेंट आए, दिखा के आएंगे, चेकअप करके आएंगे तो होगा क्या, नहीं। चेकअप आपको करना पड़ेगा, दवाई आपको लेनी पड़ेगी, तो जिसको भी जो रिजल्ट चाहिए उसका सब कुछ देखना है। अभी ये सब कर देखते देखने के बाद, घर में जाने के बाद अगर वो बोलता कि ये घर हमारा नहीं है, रेंट पे रहते हैं या मालिक हम नहीं है, आप ये सब बातें पहले डेटा कलेक्शन में जानी चाहिए, अदरवाइज कुछ काम का नहीं। आप सब वो पालते घड़ा और पानी मराठी में कहावत है, तो वैसे हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है, फोकस हो जाओ। इसीलिए तो ये सब बातें चल रही है कि आपको फोकस कहाँ पर होना है, और जितना ज्यादा आप ये फोकस, फोकसिंग कब आता है, एक्सपीरियंस से आता है। अभी एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास 10 साल का टाइम नहीं है, आपको अभी जल्दी एक्सपर्ट होना है, तो जल्दी एक्सपर्ट होना है तो पढ़ाई ज्यादा करनी है, अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। तो जिसको भी रिजल्ट चाहिए वो देखना है, जिसके भी घर का प्रॉपर्टी का रिजल्ट चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, दूसरे किसी की प्रॉपर्टी देख के उसको रिजल्ट नहीं आएगा, अगर वो मालिक ही नहीं है तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। घर का महत्व इतना बताया गया है शास्त्रों में कि हर एक का अपना घर होना चाहिए, अगर घर खुद के घर में वो प्रार्थना नहीं करेगा, प्रेयर किसी के घर में करेगा तो आधा तो उसके घर मालिक को जाएगा, आधा अर्धांगिनी को जाता है, वाइफ को जाता है, बचता क्या है फिर उसके पास, और फिर बोलता है कि मैं तो 10 10 घंटे साधना कर रहा हूं। ये शास्त्र का नियम है, साधना प्रार्थना प्रेयर जो है अपने घर में होनी चाहिए, खुद के घर में होनी चाहिए। तो इस प्रकार वो सब बातें देखें, क्योंकि कोई भी एक साइड से देखोगे आप तो रिजल्ट 100% नहीं दे पाओगे, आपको सभी कंसिडर करना ही पड़ेगा, सभी फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम भूल गए, हमने तो ये देखा ही नहीं है, वो आपकी गलती है, आपको परफेक्ट होना है तो आपको ये सब कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अभी आ जाते हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर। वास्तुशास्त्र में ये 18 ऋषियों के अलावा एक वराह मीर बोल के बड़े ऋषि हुए हैं, उन्होंने बृहद संहिता नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें बृहद संहिता में वो कहते हैं वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्य, वास्तुशास्त्र जो है लोगों का हित ख्याल में रखते हुए बनाया गया शास्त्र है, ठीक है। और वो शास्त्र से क्या मिलेगा आपको, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वास्तुशास्त्र इज टू ब्रिंग फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग फॉर ऑल, जो भी उस घर में रहते हैं उस वास्तु का लाभ लेते हैं उनको फिजिकल भी मिलेगा, मेंटल भी मिलेगा और स्पिरिचुअल भी मिलेगा, ठीक है। योग से क्या मिलेगा, तो योग से फिजिकल और मेंटल मिलेगा, प्रार्थना से क्या मिलेगा, प्रार्थना से स्पिरिचुअल मिलेगा, लेकिन वास्तु से क्या मिलेगा, यहाँ पर फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल मिलेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है और ये लोगों का हित ख्याल में रखते हुए किया कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, पॉजिटिव बेनिफिट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलने चाहिए, ये सब समझते हुए ये शास्त्र बनाया गया है। तो ये शास्त्र के जो हमने 18 ऋषि देखे हैं, 18 ऋषि कई और ऋषि है, वो सब ऋषियों ने क्या किया है, लिटरेचर बनाया है। शास्त्र जो है वो प्रिंसिपल में बंदिश होता है, शास्त्र के आधार जो होते हैं वो सब प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं। ये सभी सिद्धांत जो है मयमतम में है, अपराजित पृच्छा में है, मानसार में है, ये इंपॉर्टेंट कुछ लिटरेचर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मय मतम ये मय मुनि ने लिखा हुआ है, मय मुनि ये रामायण में भी है, महाभारत में भी है, रामायण में जो है रावण के ससुर है और महाभारत में ये
जिन्होंने मय सभा बनाई है वो वैसे ही है, मय सभा के कारक है। मैंने एक त्रिपुर नाम का शहर भी बनाया स्पेस में, अंतरिक्ष में। फिर उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, ये मानसा ऋषि का, ये 7 वॉल्यूम में प्रसन्न कुमार आचार्य ने लिखा हुआ है, कंपाइल किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा टेक्निकल ग्रंथ है, जिनको भी टेक्निकल ज्यादा जानकारी चाहिए, जो आर्किटेक्ट वगैरह है, तो वो ये सभी वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम का सेट है, वो साथ में रख सकते हैं, अवेलेबल पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है, सभी बुक्स अवेलेबल है। उसका कॉस्टिंग बता दीजिए ना एक बार ग्रुप पे। उसका कुछ 1500-2000 रुपए कुछ है। सभी बुक्स अवेलेबल है। मैं परिमल जोशी जी, परिमल प्रकाशन के जो है दिल्ली में, उनका नंबर शेयर कर देता हूँ, उनको आप हमारा नाम रेफरेंस देते हुए 15-20% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो वो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। जो कुछ उनके पास है, उन्होंने पब्लिश किए हुए, वो तो आपको भेज देंगे, और जो कुछ अरेंज करके भी वो भेज देते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के बुक्स है, और अपने पास बुक्स रहने ही चाहिए, क्योंकि रेफरेंस में कभी कभी वो बहुत जरूरी होता है, काम आते हैं। और ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर ये इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश चाहिए, महिमतम इंग्लिश में है, ये इंग्लिश वर्जन आप रख सकते हैं। अपराजित पुरुषा हिंदी में है, ये डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी ने लिखा हुआ है, ये 2 वॉल्यूम में है। अपराजित विश्वकर्मा के बेटे का नाम था, उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उसको सब कंपाइल करके उसका नाम रखा है, अपराजित पुरुषा। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में है, विश्वकर्मा प्रकाश है, एक स्थापत्य वेद एक ग्रंथ है, वो डॉक्टर वी गणपति शास्त्री जो चेन्नई के है उन्होंने लिखा, ये भी अच्छा एक टेक्निकल ग्रंथ है, इसमें भी कुछ अच्छे ड्राइंग्स फॉर्म में समझाया गया है। तो आर्किटेक्ट जो है उन्होंने स्थापत्य वेद, हिंदू आर्किटेक्चर, ये मानसार और महिमतम, ये 3 सेट तो आप मंगवा लो, तीनों का कॉस्ट कुछ 5-6 हजार रुपये हो जाएगा, लेकिन ये महिमतम कहाँ मिलेगी? सब उनके पास मिलेगी। ओके, परिमल जी के पास सभी मिलेगी। फिर ये वास्तु सिंप्लीफाइड, आर्ट ऑफ लिविंग से पब्लिश हुआ है, ये भी इसमें भी हमने 50-60 ग्रंथों के रेफरेंसेस लिए हुए हैं, जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो उसमें कवर किए हुए हैं। बाकी और बुक्स जो है, समरांगन सूत्रधार एक अच्छा है, वो भी इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। मत्स्य पुराण है, अग्नि पुराण, शिल्प रत्न, कामिकागम ग्रंथ का भी अभी भाषांतर हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, वो अभी संस्कृत में ही है। अजितागम, सुप्रभेदागम, तंत्र समुच्चय, ब्रह्म संहिता, स्थापत्य वेद, काश्यप शिल्प, राजवल्लभ, वास्तुविद्या, मनुषालय चंद्रिका, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र। तो इस प्रकार के जो जो ग्रंथ उपलब्ध है, अवेलेबल हो सकते हैं, अपने पास कलेक्शन में वो रखना चाहिए। सर विश्वकर्मा दो प्रकार की पद्धति यहाँ पर देखी जाती है वास्तुशास्त्र में, एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, एक साउथ इंडियन स्टाइल। विश्वकर्मा पद्धति बहुत करके नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चलता है, और मैं की पद्धति जो है मैमुनि के, वो साउथ इंडियन स्टाइल में चलती है। हाँ, कोई पूछ रहा था विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र और विश्वकर्मा प्रकाश, इन दोनों ही पढ़ना चाहिए? दोनों ही विश्वकर्मा के है, लेकिन कंटेंट अलग अलग। और जो लोग आर्किटेक्ट नहीं है उनको मानसार का कौन सा वॉल्यूम? नहीं, आर्किटेक्ट नहीं है तो भी ये पढ़ना चाहिए। देखो, ये तो वास्तु वाले के लिए तो जरूरी है, लेकिन आर्किटेक्ट के लिए तो और कुछ अच्छे इनपुट्स उसमें से मिलेंगे उनके लिए, और अच्छा है। सभी बुक्स जो है, हम वास्तु के विद्यार्थी है, हमारे पास रहने ही चाहिए। वैसे तो 100 बुक्स अवेलेबल है, 97 बुक्स का वास्तुशास्त्र के 97 ग्रंथों का ट्रांसलेशन डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी ने किया है। 97 एक के ऊपर ऐसे ग्रंथ रखेंगे ना तो 10 फीट ऐसी हाइट हो जाएगी। उसमें से केवल 30 ग्रंथ जो है, वो 30 ग्रंथ लेके हम लोग एक बार श्री श्री रविशंकर जी से मिले थे, तो वो ग्रंथ ऐसे 3 फीट का हाइट उसका हो गया था, एक के ऊपर एक रचे थे, और एक एक ग्रंथ निकाल के मैं जुगनू जी के पास देता था, और वो उसके बारे में 2-2 मिनट बात करते थे, ऐसे 2.5 आवर, 2.5 घंटा गुरुजी ने सब वो सभी ग्रंथों के बारे में
गुरु जी को श्री कृष्ण जुगनू जी ने बताया था और इतना इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसी समय बताया कि ये सभी ग्रंथों का भाषांतर आप जल्दी से जल्दी करो और सभी भाषाओं में रीजनल भाषाओं में वो होना चाहिए, तभी तो ये सब लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये काम हम लोगों को करना है, किसी भी माध्यम में आप कर सकते हैं। अभी लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, ई बुक्स बना दो, ऑडियो बुक्स बनाओ, वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स शॉर्ट फिल्म्स बना दो। तो इसके माध्यम से जो एज इट इज जो शास्त्र में लिखा है पहले एज इट इज उसको सामने लाओ, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। एक वास्तु रत्नावली, ये भी एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये टेक्स्ट बुक के तौर पर यूज होता है। तो वास्तु विद्या का हमारे पास मराठी हिंदी और इंग्लिश तीनों वर्जन है। वास्तु रत्नावली केवल मराठी में, वास्तु रत्नावली हिंदी में डॉक्टर जुगनू जी का है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये कंपाइल बुक है, इसमें सभी ग्रंथों का सार समझ सकते हैं आप इसको, और जो जो इम्पोर्टेंट है अप्लाइड है ये सभी बातें जो है इसमें कवर की गई है। ये वास्तु विद्या एक बार गुरु जी को बताया था जब क्लास चल रहा था तब आश्रम में, एक बार हमारे कॉन्वोकेशन में, पीएचडी का जब कॉन्वोकेशन होता है तो डीएससी के कॉन्वोकेशन में डॉक्टर रतन टाटा जी आए थे और उसी समय में ये मेरे बुक का पब्लिकेशन हुआ था ऑलरेडी पहले, तो एक बार उनके हाथ से भी फिर से करवाया, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। और पीएचडी के लिए 27 स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद ये एक अप्रिसिएशन अवार्ड मुझे मिला था उनके हाथ से। ऐप भी आप बना सकते हैं, एक ऐप मैंने बनाया था एंड्रॉइड पे, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, मीन्स अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिनके पास डाउनलोड है वो चल रहा है। तो ऐप भी आप बना सकते हैं, डायनेमिक ऐप बना सकते हैं, कैलकुलेशन वाला ऐप बना सकते हैं। तो ये सब जो है आपको करना है, उन लोगों को करना है, ठीक है। तो एक पार्ट हुआ अभी, दूसरा कि ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसको पढ़ना बाकी है, पढ़ना है, समझना है और समझाना है लोगों को, सीखना है और सिखाना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। ये डॉक्टर जुगनू का ये वास्तु रत्नावली है, ये भी परिमल प्रकाशन के पास मिलेगा? परिमल के पास मिलेगा, हाँ। परिमल का नंबर मैं अभी क्लास होने के बाद शेयर कर देता हूँ, परिमल के पास वो मिलेगा और उससे आप उनसे डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, वो आपको भेज देंगे, और नहीं मिलेगा तो भी वो अरेंज कर देंगे अगर उनके पास नहीं रहेगा। ठीक है, अभी ये बुक्स के ग्रंथ संपदा के बारे में किसको क्या लग रहा है, क्या कुछ